कि पीएम नरेंद्र मोदी जो बायोपिक है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, पीएम मोदी की बायोपिक के रिलीज होने का मामला है ये, जिस पर कांग्रेस ने शिकायत की थी। सुप्रीम कोर्ट में याचिका ने जल्द सुनवाई करने की मांग की थी। फिल्म के प्रसारण पर रोक लगाने के लिए याचिका डाली गई थी। शुक्रवार को देश भर के सिनेमाघरों में फिल्म रिलीज हो रही है। आपको बता दें कि पीएम मोदी की बायोपिक के रिलीज होने का ये पूरा मामला है। याचिका पर जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार सामने आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता ने जल्द सुनवाई करने की मांग की थी, लेकिन सुनवाई नहीं होगी। सुचित्रा मुखर्जी हमारे सहयोगी बनी हुई है इस खबर पर। सुचित्रा, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जल्द सुनवाई की जो है पीएम की जो बायोपिक बनी है उस पर मांग की गई थी, यानी कि आज सुबह सुबह कोर्ट में मेंशनिंग की गई थी कि इस मामले में जल्द सुनवाई की जाए, क्योंकि फिल्म का प्रसारण जो है फ्राइडे को पूरे देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज हो जाएगा। तो ये मांग थी कि इसको रोका जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे जो है आचार संहिता का उल्लंघन होता है। तमाम तरीके की तर्क दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया है और हो सकता है कि इस पर जो सुनवाई है अब सोमवार को होगी। हालांकि इसके पहले दिल्ली हाईकोर्ट में भी ये मामला गया था, तब दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि क्योंकि ये मामला इलेक्शन कमीशन के पास है, इलेक्शन कमीशन खुद देख रहा है तमाम चीजों को, तो इसमें कोई किसी दखल अंदाजे की जरूरत नहीं है। और जब फिल्म तमाम चीजों को देखने के बाद ही जो है सेंसर बोर्ड पास करता है तो इसमें हमारा कोई से नहीं बनता है। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में भी मामला आया था, उसके बाद उस समय भी जल्दी हियरिंग की मांग की गई थी, लेकिन उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से मना कर दिया था। दोबारा आज फिर से मेंशनिंग की गई, क्योंकि ये फिल्म जो है कल रिलीज होनी है, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले की सुनवाई अब सोमवार को होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुचित्रा, तमाम जानकारी।